कंपोजिशन ऑफ बिटुमिन, जिसको हम दी कैरेक्टराइजेशन ऑफ बिटुमिन भी बोलते हैं और सारा एनालिसिस ऑफ बिटुमिन भी बोलते हैं। कि भाई बिटुमिन जो होता है उसमें डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, अगर उसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे तो उस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हमारे पास चार टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स निकलेंगे उस बिटुमिन से, ठीक है ना। बिटुमिन को अगर किसी भी केमिकल कंपाउंड में डिजॉल्व करते हैं तो वो चार कंपाउंड्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। उस डिस्ट्रीब्यूशन को या डिवीजन को हम कहते हैं क्रोमेटोग्राफी। किसी भी कंपाउंड को, कोई भी केमिकल कंपाउंड होता है तो उसकी क्रोमेटोग्राफी अगर हम करते हैं तो उसमें के अंदर जो भी केमिकल कंपाउंड्स होते हैं हमें उनके बारे में पता चल जाता है, ठीक है। क्रोमेटोग्राफी आप बिटुमिन अगर करेंगे तो उसके अंदर से डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड निकलेंगे। सो बिटुमिन के अंदर चार टाइप ऑफ कंपाउंड होते हैं जिसे हम कहते हैं सारा एनालिसिस, SARA, जिसमें S होता है सैचुरेट्स, उसके बाद एस्फाल्टीन्स, फिर रेजिन्स एंड एरोमेटिक्स, चार केमिकल कंपाउंड होते हैं। उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे कि वो चार केमिकल कंपाउंड्स क्या होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, ठीक है। यहाँ पर कंपोजिशन ऑफ बिटुमिन के बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन गिवन है कि उसमें केमिकल कंपाउंड, केमिकल कंपोजिशन बिटुमिन की कॉम्प्लेक्स है, उसमें अगर उसको उसमें नाइट्रोजन भी होते हैं, सल्फर, ऑक्सीजन होते हैं, 80-90% आपका कार्बन कंपाउंड होता है, वगैरह वगैरह। ये थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन इसमें गिवन है, ये आप खुद ही देख लेना। जिसमें यहाँ पर आपको ये भी बताया गया है कि भाई क्रोमेटोग्राफी करेंगे तो उसमें डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स हैं, फंक्शनल ग्रुप्स हैं, वो सेपरेट हो जाएंगे और हमारे पास चार केमिकल कंपाउंड्स आ जाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर वो चार कंपाउंड्स आपको इस पर्टिकुलर स्लाइड में शो होंगे, एस्फाल्टेंस, रेजिन्स, एरोमेटिक्स और सैचुरेट्स, ठीक है। अगर किसी भी एस्फाल्ट को, यहाँ पर एस्फाल्ट मीन्स बिटुमिन, एस्फाल्ट मीन्स एस्फाल्ट मिक्स नहीं बोल रहा, यहाँ पर बिटुमिन बोल रहा है, ठीक है। एस्फाल्ट या बिटुमिन को अगर आप इन हेप्टेन से अगर आप एक्सट्रैक्शन करेंगे या इन हेप्टेन में डिसॉल्व करवाएंगे तो वो दो केमिकल कंपाउंड्स में डिवाइड हो जाएगा। वन होते हैं एस्फाल्टीन्स, दूसरे होते हैं माल्टीन्स, ठीक है। अगर इन हेप्टेन में डिसॉल्व करोगे तो एस्फाल्टीन्स और माल्टीन्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। फिर जो माल्टीन है उसको अगर इन हेप्टेन में दोबारा सॉल्युबल करवाओगे या वाश करोगे थ्रू अल्यूमिना तो वो चार केमिकल, फर्दर केमिकल कंपाउंड्स में डिवाइड हो जाता है। वो चार कॉल्ड है सैचुरेट्स, एरोमेटिक्स एंड रेजिन्स, ठीक है। फर्स्ट में जो दो केमिकल कंपाउंड बनते हैं एस्फाल्टीन्स एंड माल्टीन्स, उनमें एस्फाल्टीन्स जो होते हैं वो सॉलिड कंपाउंड्स होते हैं और जो माल्टीन्स होते हैं वो लिक्विड कंपाउंड्स होते हैं। माल्टीन के अंदर में सैचुरेट्स, एरोमेटिक्स और रेजिन्स जो हैं वो तीनों अलग से जो केमिकल कंपाउंड हैं दैट आर आल्सो द लिक्विड कंपाउंड्स। लेकिन इन चारों को अगर देखा जाए तो देयर आर फोर केमिकल कंपाउंड्स, द एस्फाल्टीन्स, द सैचुरेट्स, एरोमेटिक्स एंड रेजिन्स, जिसे हम सारा बोलते हैं, SARA, सैचुरेट्स, एरोमेटिक्स, रेजिन्स एंड एस्फाल्टीन्स एक्चुअली, ठीक है। इसलिए इसको सारा एनालिसिस ऑफ बिटुमिन भी बोला जाता है। तो व्हाट आर एक्चुअली एस्फाल्टीन्स, व्हाट आर रेजिन्स, व्हाट आर एरोमेटिक्स एंड व्हाट आर सैचुरेट्स, इनके बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देते हैं हमें आपको। सबसे पहले अगर आप किसी भी बिटुमिन को की सारा एनालिसिस करोगे या क्रोमेटोग्राफी करोगे तो ये चारों कंपाउंड्स उसमें से निकलेंगे, सैचुरेट्स, एरोमेटिक्स, रेजिन्स एंड एस्फाल्टीन्स। जिसमें सैचुरेट्स के कलर अगर आप देखो तो उसका वाइट कलर होता है, एरोमेटिक्स का देखो तो रेडिश वाइन की तरह होता है, रेडिश वाइन टाइप ऑफ कलर। अगर रेजिन्स की देखो तो वो प्योर ब्लैक कलर के होते हैं, रेजिन्स आर प्योर ब्लैक कलर एंड ब्लैक कलर। एस्फाल्टीन्स की देखें तो वो सॉलिड कंपाउंड्स होते हैं बिल्कुल ब्लैक पाउडर की तरह, एस्फाल्टीन्स आर सॉलिड कंपाउंड्स और ब्लैक पाउडर की तरह होते हैं, रेजिन्स ब्लैक की तरह और एरोमेटिक्स रेडिश वाइन की तरह, और सैचुरेट्स आपके जो होते हैं वो वाइटिश कलर के होते हैं, ठीक। ये थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन है एस्फाल्टीन्स का। एस्फाल्टीन्स आर एक्चुअली द ब्लैक पाउडर एट रूम टेम्परेचर एंड लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लैक कलर ऑफ द एस्फाल्ट बाइंडर, ETC. सो एस्फाल्टीन्स के बारे में यहाँ पर इंट्रोडक्शन गिवन है, यहाँ पर रेजिन्स के बारे में इंट्रोडक्शन गिवन है, यहाँ पर सैचुरेट्स के बारे में इंट्रोडक्शन गिवन है और यहाँ पर एरोमेटिक्स के बारे में इंट्रोडक्शन गिवन है। ये सारी चीज़ें गिवन है। मैंने क्या किया है कि ये एस्फाल्टीन्स, सैचुरेट्स, रेजिन्स एंड एरोमेटिक्स के जो मेन मेन पॉइंट्स हैं वो इस टेबल में समराइज कर दिए हैं, जो मेन मेन पॉइंट्स हैं। मेन मेन पॉइंट्स में क्या क्या चीज़ें, भाई उसका जो
जो डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स हैं उसके टाइप कौन सा है, लिक्विड टाइप है या सॉलिड टाइप है। दूसरा उसका नेचर कौन सा है, पोलर नेचर है या नॉन पोलर नेचर है। उसका मॉलिकुलर वेट कितना है किसी भी कंपाउंड का, उसके वो अगर उसकी कंटेंट को इंक्रीज कर दिया जाए तो वो सॉफ्ट बिटूमिन को सॉफ्ट कर देता है या बिटूमिन को हार्ड बना देता है, ये मैंने यहाँ पर नोट कर दिया। उसके बाद उसका कलर कौन सा है, और उसके बाद उसकी विस्कासिटी कैसी होती है, सैचुरेट्स की विस्कासिटी क्या होती है, एरोमेटिक की क्या होती है, रेजिन्स की क्या होती है और एसफाल्टेंस की क्या होती है वगैरह वगैरह। ठीक है भाई, सबसे पहले आते हैं टाइप ऑफ कंपाउंड के हिसाब से, टाइप के हिसाब से। तो सेचूरेट्स और एरोमेटिक्स जो कंपाउंड होते हैं वो दैट आर द लिक्विड कंपाउंड्स। यानी मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि एसफाल्टिन्स सॉलिड कंपाउंड्स होते हैं, बाकी जो कंपाउंड्स होते हैं वो या तो वो तकरीबन लिक्विड कंपाउंड्स ही होते हैं। ठीक है, सेचूरेट्स एरोमेटिक्स एंड रेजिन। पहले मैंने आपको बताया कि पहले हम उसको सॉल्यूबल करते हैं, उसमें से एस्पाल्टिन्स निकलते हैं, फिर माल्टिन्स निकलते हैं, माल्टिन्स के अंडर में फिर सैचुरेट्स एरोमेटिक्स एंड रेजिन्स आते हैं। सो एस्पाल्टिन्स आर द सॉलिड कंपाउंड, माल्टिन्स आर द लिक्विड कंपाउंड्स एक्चुअली। सो माल्टिन के अंदर में सैचुरेट्स एस्पाल्टिन सैचुरेट्स एरोमेटिक्स एंड रेजिन्स जो आते हैं दैट आर द लिक्विड कंपाउंड, और उसमें से सिर्फ और सिर्फ एस्पाल्टिन्स आर द सॉलिड कंपाउंड। ठीक है, टाइप ऑफ कंपाउंड के बारे में हमें पता चल गया है, सैचुरेट्स लिक्विड हैं, एरोमेटिक्स लिक्विड हैं, रेजिन्स कैन बी लिक्विड कैन बी सॉलिड डिपेंडिंग अपॉन द ग्रेड ऑफ बिटुमिन, और जो एस्फाल्टिन्स होते हैं दैट आर ऑलवेज सॉलिड कंपाउंड। नेचर की बात करें तो सैचुरेट्स आर नॉन पोलर, एरोमेटिक्स आर पोलर, आर नॉन पोलर इन नेचर, रेजिन्स आर वेरी पोलर इन नेचर एंड दी एस्फाल्टिन्स आर हाईली पोलर इन नेचर। पोलरिटी के बारे में अगर किसी को पता नहीं है तो थोड़ा बहुत केमिस्ट्री अपनी स्ट्रांग बना ले। मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो 300 to 1500, 3000 to 20000 एरोमेटिक्स की होती है, 500 to 5000 आपके रेजेंस की होती है, और 1000 to 1 lakh अप्रोक्सीमेटली दैट इज एस्फाल्टिन्स की एस्फाल्टिन का मॉलिक्यूलर वेट होता है। ये रट्टे वाली बात है, ये आपको लाजमी रट्टा लगाना पड़ेगा। इंक्रीज इन कंटेंट मेक्स बिट्यूमिन, अगर बिट्यूमिन को की कंटेंट में सेचुरेट्स की कंटेंट को इंक्रीज कर दिया जाए तो वो क्या बना देगा, बिटूमिन को अगर एरोमेटिक की कम इंक्रीज कर दें तो क्या बना देगा, सेचुरेट्स को की कंटेंट को अगर आप इंक्रीज करोगे तो बिटूमिन सॉफ्ट बन जाए सॉफ्टर हो जाएगा, अगर एरोमेटिक्स तो वो भी सॉफ्टर बना देगा, रेजेंस अगर आप इंक्रीज करोगे तो बिटूमिन को वो हार्डर बना देता है, और एस्फाल्टिन्स जो होते हैं वो भी अगर आप कंटेंट इंक्रीज करोगे तो वो भी हार्डर बना देता है। रेजेंस ब्लैक कलर के होते हैं, बिल्कुल ब्लैक कलर के होते हैं, और एस्फाल्टिन्स तो होते ही सॉलिड कंपाउंड है, सॉलिड कंपाउंड लाजमी आप उसमें ऐड करोगे किसी भी बिटूमिन को तो वो उसको हार्डर ही बनाएगा, हार्डर ग्रेड्स में ही चेंज कर देगा। ठीक है, ये भी आप याद करें कि भाई सैचुरेट्स और एरोमेटिक्स के क्वांटिटी को आप इंक्रीज करोगे तो वो बिटूमिन को सॉफ्टर बनाते हैं, और रेजिन्स या एस्फाल्टिन्स की क्वांटिटी को इंक्रीज करोगे तो वो आप बिटूमिन को हार्डर बना देते हैं। कलर की बात करें, कलर जैसे मैंने आपको वहाँ पर बोतल बना के रखे हुए थे एक पर्टिकुलर स्लाइड में, तो उसमें मैंने आपको शो भी करवाया था कि सेचुरेट का कलर कलरलेस होता है या वाइट कलर के होते हैं, एरोमेटिक्स येलो रेड या रेड वाइन की तरह होते हैं, रेजिन्स ब्लैक कलर होते हैं, और जो एसफाल्टिन्स होते हैं बिल्कुल प्योर ब्लैक पाउडर की तरह होते हैं। विस्कासिटी की बात करें तो विस्कासिटी जो है ना वो इंक्रीज होती जाती है सेचुरेट से लेकर एरोमेटिक्स, एरोमेटिक्स से लेकर रेजिन्स, और रेजिन्स से लेकर एसफाल्टिन्स तक। सेचुरेट्स सबसे लेस विस्कस होते हैं, एरोमेटिक्स थोड़ी उससे ज़्यादा ज़्यादा विस्कस होते हैं, और रेजिन्स सबसे ज़्यादा विस्कस होते हैं, और जो एसफाल्टिन्स होते हैं सबसे ज़्यादा विस्कस होते हैं, सबसे ज़्यादा विस्कस एसफाल्टिन्स होते हैं अगर विस्कासिटी की बात करें। सो अगर मैं आपको किसी इस पर्टिकुलर पेपर में बोल लूँ कि भाई डिस्क्राइब, अच्छा व्हाट यू नो अबाउट सारा एनालिसिस ऑफ बिटुमिन एंड एक्सप्लेन दी केमिकल कंपोजिशन ऑफ बिटुमिन, तो आप लोगों ने पहले तो सारा एनालिसिस के बारे में इंट्रोडक्शन देना है कि भाई केमिकल क्रोमेटोग्राफी करते हैं भी किसी ETC, ETC, उसके बाद सारा एनालिसिस के बारे में बताना है या केमिकल कंपोजिशन के बारे में बताना है बिटुमिन के, उसमें चार केमिकल कंपाउंड्स होते हैं सैचुरेट्स एरोमेटिक्स रेजिन्स एस्फाल्टिन्स, फिर उसको हर केमिकल कंपोनेंट को अलग से डिफाइन करना है, सैचुरेट्स को भी, एरोमेटिक्स को भी, रेजिन्स को भी, एस्फाल्टिन्स को भी, और इन पॉइंट्स को रखकर इस स्लाइड में जो मैंने आपको पॉइंट्स दिए हैं इन पॉइंट्स को रखकर अगर आप लिखना शुरू करोगे तो बिल्कुल ईजी हो जाएगा आपके लिए।
ठीक है, यही सेम चीज़ें यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्लाइड्स में भी गिवन है, जो पिछले स्लाइड्स मैंने आपको दिखाए हैं, ये एरोमेटिक्स, सेचुरेट्स, रेजिन्स, फल्टीन्स वगैरह वगैरह। ठीक है, सो इस लेक्चर को भी एंड करते हैं यहाँ पर।